हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफ ट्यूजेस पे। तो आज हम लोग ट्रेड साइकिल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेड साइकिल को कवर किया था, तो उससे रिलेटेड हम 16 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ साथ UPTGT एंड PGT एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। द ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल अकर डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो आपका जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है, तो ट्रफ आपका जो है कौन से पॉइंट पे होता है? आपका यहाँ पर अकर होता है, ठीक है, ओके। यानी सब आपका ये ट्रफ है, यहाँ पर आपका डिप्रेशन होता है और इस समय एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या आपकी हो जाती है? कम हो जाती है। आप सभी को मैंने बताया था वहाँ पर कि जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और आपका जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो आपकी इनकम कम हो जाती है, मतलब आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, फिर आपकी डिमांड गिरने लगती है और फिर प्राइजेस जो है लो होने लगता है। तो आपका यहाँ पर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हुआ, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर, ओके, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, यानी जब ट्रफ आता है बिजनेस साइकिल में अपने लोएस्ट पॉइंट पे, तो इसका मतलब है आपकी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लोएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज़ रेफर्ड टू एज। आपका जो लोएस्ट पॉइंट होता है बिजनेस साइकिल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये आपका जो होता है ट्रफ होता है, ठीक है। सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है बिजनेस साइकिल में, वो आपका क्या कहलाता है? ट्रफ कहलाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है ये बिजनेस साइकिल है, और बिजनेस साइकिल में जो आपका ऊपर वाला पॉइंट होता है ये आपका बूम होता है, ठीक है, और इसको हम लोग पीक भी कहते हैं, और यहाँ से आपका जो है रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रिसेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम जो है आपके लोवेस्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं जो कि आपका ट्रफ होता है, ओके, ट्रफ होता है, और इसी को हम लोग जो है ट्रफ कहते हैं, और या फिर हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, और फिर यहाँ से आपका एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, When aggregate economic activity increasing in the economy said, तो आपका जब aggregate economic activity बढ़ जाता है economy में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि expansion के time पे जो हमारा aggregate economic activity, यानी सारी जो economic activity वो आपकी बढ़ जाती है, यानी आपका जो investment है वो बढ़ जाता है, investment बढ़ने की वजह से जो है लोग employed होते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और फिर उसके बाद इनकम इंक्रीज़ करता है, ओके, इनकम इंक्रीज़ करती है तो आपकी डिमांड राइज करती है, डिमांड की वजह से फिर जो है प्रॉफिट होता है, फिर लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो है आपका एक्सपेंशन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द बूम आपका क्या होगा? तो याद रखना कि यहाँ पर बूम के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी लोगों को ज़्यादा मिलती है, तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है लाइकली टू फॉल, आपका क्या होता है? गिर जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द पीक एंड द ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नोन एज कलेक्टिवली। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जब पीक और ट्रफ को हम लोग मिला के मतलब बोलते हैं, तो ये आपका जो है बिजनेस साइकिल में ये हमारा पीक है, ओके, और ये हमारा जो है क्या है? ट्रफ है, ठीक है, ये हमारा ट्रफ है। तो दोनों के पॉइंट को क्या बोलते हैं आपका? तो यहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन द इकोनॉमी इज सेट टू बी, तो आपका कौन से वाले पॉइंट पे हो जाएगा? तो याद रखें कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी क्या कर रही हैं? डिक्लाइन कर रही हैं, यानी कम हो रही हैं। तो यानी यहाँ पर आपका है कॉन्ट्रैक्शन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जब आता है तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन देखोगे तो आप यहाँ पर जो है पीक पे आ चुके हो, यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी रिसेशन आना स्टार्ट हो जाता है, और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी धीरे धीरे क्या करती है? कम होने लगती है। जैसा इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है, फिर एम्प्लॉयमेंट कम होती है, इनकम कम होती है, सारी चीज़ें आपकी कम होने लगती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल आर। जो इंडस्ट्रीज़ आपकी बिजनेस साइकिल के लिए काफ़ी सेंसिटिव है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा, कैपिटल एंड ड्यूरेबल गुड सेक्टर को हम लोग जो है काफ़ी सेंसिटिव, मतलब आपका एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है बिजनेस साइकिल के लिए।
ठीक है। तो कैपिटल गुड एंड नॉन ड्यूरेबल गुड सेक्टर जो होता है आपका, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट आर यूज टर्म शॉक टू, किसके लिए आपका शॉक टर्म जो है यूज़ किया जाता है इकोनॉमिस्ट के द्वारा। ये सब जो टर्म्स है आपकी, आपके स्पेशली बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है, तो बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं। तो यानी यहाँ पर टिपिकली अनप्रेडिक्टेबल फोर्स दैट हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, यानी ये एक अनप्रेडिक्टेबल फोर्स है जो कि आपके मेजर इम्पैक्ट डालती है इकोनॉमी पे, तो उसको हम लोग शॉक कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन बिजनेस साइकिल इवेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा ऐसा अमेरिकन जो है बिजनेस साइकिल का इवेंट रहा है 20th सेंचुरी में। तो याद रखिएगा कि 20th सेंचुरी में आपका जो है बेसिकली वर्ल्ड वॉर जो है सेकेंड हुआ है, ठीक है, और आपका जो है ग्रेट डिप्रेशन है ना, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स को पूछा है, स्टैगफ्लेशन नहीं पूछा है और ना ही ग्रेट डिप्रेशन। यहाँ पर पूछा है आपका कि कौन से ऐसे दो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिकन बिजनेस साइकिल के इवेंट्स हुए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था, तो आपका 1939 टू ओके 1945 तक जो है आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, और जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है 1929, उसी के आसपास जो है किन्स अपनी थ्योरी देता है, ये भी आपका 20th सेंचुरी के आसपास देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी द प्राइमरी कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल आर, तो यहाँ पर क्या प्राइमरी कॉज है आपके बिजनेस साइकिल के। तो याद रखना कि आपका टेक्नोलॉजिकल शॉक को वो क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी आपका जो रियल बिजनेस थ्योरी है, बिजनेस साइकिल थ्योरी है, इसमें प्राइमरी कॉज बिजनेस साइकिल का क्या होता है आपका। तो याद रखना कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल शॉक जो है वो आपका रियल जो है कॉज होता है बिजनेस साइकिल का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल द अपोजिट टू द ट्रफ इज, यानी आपके अपोजिट क्या होगा ट्रफ के, तो यानी पीक होगा, यानी सबसे हाईएस्ट पोजिशन पर आपकी इकोनॉमी यानी होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है पीक होता है और आपका यहाँ पर जो होता है ट्रफ होता है, यानी पीक को ही हम लोग बूम बोलते हैं और ट्रफ को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ को क्या कहते हैं आपका डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, डिप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल दैट आर मोस्ट सपोर्टिव टू द ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एम्ड एट स्मूथिंग बिजनेस साइकिल आर, तो जो कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए आपके बिजनेस साइकिल को रन कराने के लिए। तो याद रखिएगा कि शी यहाँ पर आपका किनीशियन मॉडल जो है वो काफ़ी सपोर्टिव था। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस साइकिल आर, ठीक है, बिजनेस साइकिल आर सिमिलर बट दे कैन हैव मेनी कॉजेज, ठीक है, आपके बिजनेस साइकिल जो होते हैं सिमिलर होते हैं, पर याद रखिएगा कि उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, अलग अलग कॉजेज होते हैं बिजनेस साइकिल के, क्योंकि हम बिजनेस साइकिल के अंतर्गत ही क्या क्या देखते हैं आपका, याद रखिएगा कि उसी के अंतर्गत हम जो है बूम कॉन्ट्रैक्शन और आपका एक्सपेंशन सारा चीज़ देखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन लॉन्ग रन द इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाई, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन क्यों होता है आपका, तो ग्रोथ इन मनी सप्लाई, यानी जब हम मनी सप्लाई ज़्यादा करने लगते हैं तो हमारा जो है इन्फ्लेशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने की वजह से जो है प्राइस इंक्रीज कर जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 16 है, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन शॉर्ट रन द मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा आपके इन्फ्लेशन रेट को। ओके, तो यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।